Assalamu alaikum, dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा और छोटा सा टॉपिक पढ़ रहे हैं. दैट इज अबाउट यूनिट्स ऑफ प्रेशर. और हम ये भी जानेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है या कैसे नापते हैं. ये एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट होगा. और अभी इसको शुरू करते हैं. देखें जी, आप एक बात याद रखें कि जब हमारी ज़मीन को आप पढ़ते हैं तो ज़मीन कुछ ऐसे है. कैसे है? इस तरह से. कभी आपने लैटिट्यूड्स और एल्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ा हो, हमें लगता है कि हमारी ज़मीन बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन कहीं से ये ऊपर और कहीं से ये नीचे है. बात समझ नहीं आ रही. देखिए, बात बड़ी आसान से की जा सकती है. देखिए, ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा है, जैसे कि आप जिस कंट्री में भी रहते हैं वहाँ पर अगर एक समंदर है तो समंदर सबसे नीचे की जानिब होगा, आखिर के अंदर. कुछ ऐसे हिस्से होंगे जो समंदर के करीब तरीन होंगे. जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कराची की मिसाल लें तो कराची में समंदर है और ये कराची का शहर है. अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पर हमारे बड़े शहर हैं, या आप कह लीजिए अपर पंजाब है. हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ घर हैं जो ये शो करते हैं कि यहाँ खेत हैं, मैदान हैं वगैरह वगैरह. हम यहाँ चले जाते हैं थोड़ी और ऊँचाई पर तो हम मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो पहाड़ के करीब हैं. जैसे हम अपने इलाके में मरी समझ लीजिए, और मज़ीद आगे चलते हैं तो ये इलाका आपके पास क्या है, जैसे K2 कह लीजिए या फिर माउंट एवरेस्ट, मतलब ऊंचा तरीन इलाका. तो ज़मीन कुछ ऐसे काम करती है, यानी कहीं पर कुछ जगहें नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं और कुछ और भी ऊपर हैं. अब सवाल ये है कि इसमें समझने वाली क्या बात है. देखें गौर से, अगर मैं एक काम करूं, ये जो हमारी समंदर की सतह है या आप कह लें सी लेवल है, इससे सी लेवल को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं यहाँ पर, तो इससे पता चलता है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो समंदर से थोड़े से ऊपर हैं. जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं वो 200 फीट ऊपर हैं. इसी तरीके से हम आगे चल जाते हैं, 400 फीट है, और बढ़ते बढ़ते 7000, 8000 और इससे भी ऊंचाई की तरफ हम जा सकते हैं. तो कभी कभी आप ये समझते हैं या सुनने को मिलता है कि भाई हमारा इलाका सतह समंदर से या सी लेवल से इतना ऊंचा है, तो इसका मतलब कुछ ऐसा ही होता है कि आप किस लेवल पर रहते हैं. बहरहाल ये लेवल समझाना क्यों ज़रूरी था? एटमॉस्फेयर के लिए. देखें, जैसा कि आप ज़मीन को देखते हो वो गोल है, बाहर से गोल दिखती है, ज़मीन का एक सफ़ियर है, तो हम उस गोलाई को यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं कि ये आपके पास वो गोलाई है. ठीक है, अब क्या होता है भाई, इस जगह के ऊपर हवा है, हर जगह पर हवा है, लेकिन एक बात आपको देखने को बड़ी खास मिलेगी, वो क्या कि अगर यहाँ पर हवा ज़्यादा मिकदार में है तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर यानी सतह समंदर पर सबसे ज़्यादा प्रेशर डालेगी, और यहाँ पर कम. और जैसे जैसे हम जाते रहेंगे पहाड़ की जानेब तो हमारे पास क्या होगा, हवा बहुत कम प्रेशर लगाएगी. इसी तरह से आप कई बार सुनते हैं कि पहाड़ों पर हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से खाना भी देर से पकता है, गोश्त का गलना मुश्किल हो जाता है. इसकी बातों में या इन बातों में भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में. लेकिन अब तक मैंने आपको सिखाया कि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमने एक स्टैंडर्ड प्रेशर नापना है और वो हम सी लेवल पर नापते हैं. यानी हवा सी लेवल पर जितना प्रेशर लगाती है वो एक स्टैंडर्ड प्रेशर होगा. मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाता हूँ. जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रेशर होता क्या है. देखिए भाई, गैस के पार्टिकल किसी एक ख़ास एरिया में या जगह पर जो आपने फिक्स कर ली हो वहाँ पर जितना ज़ोर से आके टकराते हैं, मतलब टकराना फोर्स लगाना, कहाँ पर? किसी एक ख़ास एरिया पर, तो वो क्या कहलाता है? प्रेशर ऑफ अ गैस. यानी एक खास एरिया पर जब क्या हो, इसे हम यूनिट एरिया बोल सकते हैं और इसको हम 1 cm² का एरिया भी बोल सकते हैं. तो ये एरिया कहीं भी कंसीडर किया जा सकता है, सी लेवल पर, छत पर, ऊंचाई पर, कहीं पर भी. और जब हवा वहां पर जोर लगाएगी वो कहलाएगा हवा का प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर. लेकिन अब हम इसको साइंटिफिकली स्टैंडर्ड तौर पर पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा होगा. मैं यहाँ पर एक छोटा सा आला बनाने लगा हूँ, जैसे मैनोमीटर. कभी आपने सुना हो मैनोमीटर, बैरोमीटर. तो बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. आप यूज मान लीजिए कि ये जो एक एरिया है इसकी जो लेंथ है वो 1 cm है और इसकी जो ब्रेथ है
वो भी 1 सेंटीमीटर है, लंबाई भी और चौड़ाई भी, और अगर इसको आप इक्वल करो तो ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो ये एक स्पेशल एरिया है जो हमने यहाँ पर लिया। इसी एरिया को हम ऐसा करते हैं, फिलहाल बंद करते हैं इस तरह की एक इंस्ट्रूमेंट में। ये मैंने बड़ा सारा बना दिया है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता। बहरहाल यहां हमने क्या किया है, ये हमने भरा हुआ है मरकरी और यहां पे लगे हुए हैं कुछ ग्रेड्स। ये जो मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेस किया है सिस्टम, ये इंतहाई सादा है, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है लेकिन मैं इनको बिल्कुल सादा रख के बात समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि आप सपोज करें यही वो एरिया है जिसको हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया क्या किया हुआ है, सपोज किया हुआ है, और यही हमारा एक ऐसा एरिया है जिस पर हम नापना चाहते हैं कि हवा कितना प्रेशर डालती है। सपोज कीजिए ये हवा का दबाव ऊपर से पड़ रहा है और ये एरो ये शो कर रही हैं कि इस एरिया पे प्रेशर है, जितना प्रेशर होगा उतना मरकरी ऊपर की जानिब उठेगा और जब ये ठहर जाएगा तो हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे। ये जो आपके पास ग्रेड्स लगे हैं इनमें से ये ग्रेड्स लग सकते हैं सेंटीमीटर के एतबार से भी और मिलीमीटर के एतबार से भी। सपोज कीजिए ये मिलीमीटर के एतबार से लगाए गए हैं तो हर एक दर्जा या ग्रेड 1 मिलीमीटर को शो करेगा। अगर सेंटीमीटर में आप लगाना चाहें तो सेंटीमीटर के हिसाब से भी आले होते हैं। बहरहाल हम इतना सा समझा पाए हैं कि ये आपके पास जो ग्रेड्स हैं वो मिलीमीटर्स के अंदर हैं। अब सपोज कीजिए जब हवा ने यहाँ पर दबाव डाला तो मरकरी कॉलम, यानी कॉलम कहते हैं ऊपर से नीचे चलने वाली चीज़ को, जैसे अखबार का कॉलम, ठीक है ना, आसान बात समझ ले। और इसी तरीके से आपके पास रसाइल होते हैं डाइजेस्ट, उनमें भी कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम एक जो वर्टिकल समझ लीजिए एक ट्यूब है उसको हमने कहना शुरू कर दिया और उसमें जो मरकरी भरा हुआ है वो अब इसको बना रहा है मरकरी कॉलम। तो मरकरी कॉलम या मरकरी की सतह जहां पर आकर ठहरी वो हमने गिन लिया और वो था 760। चूंकि हर दर्जा मिलीमीटर के एतबार से है तो आपने मिलीमीटर कहना शुरू कर दिया। तो हवा ने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर इतना प्रेशर डाला हुआ है कि मरकरी कॉलम 760 मिलीमीटर पर आकर ठहर जाता है। थोड़ी सी इसमें कंडीशंस मजीद ऐड कर दें, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हम ये सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको टेम्परेचर भी यहां पर मिल गया। अब हम क्या करने लगे, डिफाइन करने लगे किसको, 1 एटमॉस्फेयर को। असल में जो 760 mm पर ठहर जाने वाला मरकरी कॉलम दबाव महसूस कर रहा है उसको हमने कहना शुरू कर दिया 1 एटमॉस्फेयर, ताकि हमारे काम में आसानी रहे, बजाय इसके कि हम मतलब 760, 700, 800, 900 या इसके जैसी कैलकुलेशन करें, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं। तो अगर हम 760 को 1 के इक्वल कंसीडर कर लें तो हमारी कैलकुलेशन आसान रह जाएंगी। बहरहाल डिफाइन करते हैं जी, डिफाइन कैसे करेंगे, अ फोर्स एग्जर्टेड बाय, या यूं भी बोल सकते हैं अ प्रेशर एग्जर्टेड बाय, बहरहाल ये भी ठीक है, अ फोर्स एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन अ यूनिट एरिया, फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट सी लेवल विच सपोर्ट द मरकरी कॉलम एट 760 मिलीमीटर। 760 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, 76 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर। अगर इसको हम लिख दें तो लिखना भी आसान है, एक तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, फोर्स एग्जर्टेड बाय एटमॉस्फेयर एट यूनिट एरिया, फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एट सी लेवल विच सपोर्ट द मरकरी कॉलम एट 760 mm एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेयर, जिसको हम ATM से भी शो कर सकते हैं। तो जी ये थी एक सिंपल सी डेफिनेशन के एटमॉस्फेयर क्या है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। मैं दोबारा से बात करता हूँ, हवा का वो दबाव या फोर्स जो लग रही है यूनिट एरिया पर जब हम सी लेवल पर इसको नाप रहे हैं और मरकरी कॉलम आकर ठहरा हुआ है 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर पर जबकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ये फोर्स क्या कहलाएगी,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट और इंटरेस्टिंग सी बात, समझ लीजिए कि किस तरीके से नापा जा रहा है। इसी तरह अगर आप आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास जो बर्करी कॉलम है वो 760 की बजाय थोड़े कम प्रेशर पर जाता रहेगा, और ये आपको एरोस दिखा रहे हैं कि प्रेशर कम होता जा रहा है और किसी भी पहाड़ की चोटी पर ये आपको कम से कम दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से मजीद यूनिट्स की, कि यूनिट्स किस तरीके से काम करते हैं या आप कैसे यूनिट से काम ले सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, ये आपने याद कर लेनी है। आप लिखेंगे 1 एटमॉस्फेयर या ATM is equal to, अभी हमने कहा कि 1 atmosphere is equal to 760 mm, तो आप लिखेंगे 760 mm, चूंकि हम मरकरी के एतबार से नाप रहे हैं तो पूरा यूनिट बनेगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब एक बात याद रखें कि 1 millimeter मरकरी बराबर होता है 1 torr के, तो चूंकि 1 millimeter मरकरी 1 torr के बराबर होता है तो 760 mm ऑफ मरकरी 760 torr के बराबर होगा। अब चलते हैं अपने फिजिक्स के यूनिट्स में। फिजिक्स में हम SI यूनिट आमतौर पर प्रेशर के इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, जो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको बात याद रखनी है कि अगर हम इसको चेंज कर दें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो ये बन जाएगा 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जैसे मैंने आपसे कहा कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, तो यही वैल्यू पास्कल में ही बनेगी, 101325 पास्कल। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि भाई मुझे ये आंसर किलो पास्कल में चाहिए, तो भाई जैसे ग्राम को 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज करते हैं, इस तरह इसको भी 1000 से डिवाइड कर किलो पास्कल में चेंज कर लें। तो कैसे चेंज करेंगे भाई, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3 फिगर्स या 3 पॉइंट्स आगे, 1 2 3, 3 के बाद ये बनेगा 101.325 किलो पास्कल। तो अब तक जो मैंने आपको यूनिट्स बताए हैं वो है किलो पास्कल, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टॉर, MMHg, एटमॉस्फेयर। और अगर आप गौर करें तो मैंने सारों को ऐसे लिखा है कि ये सब एटमॉस्फेयर के इक्वल हैं। तो आप एटमॉस्फेयर के प्रेशर को किसी भी यूनिट में बासानी तब्दील कर सकते हो, ठीक है जी। कैसे तब्दील करते हैं वो बताता हूँ, लेकिन चंद एक और भी यूनिट्स हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसा कि मिलीबार के बारे में बात करते हैं। आपने जस्ट इतना करना है कि 1 पॉइंट आगे कर देना है, तो ये बन जाएगा 101.325 मिलीबार। और अगर इसी मिलीबार को आप बार में चेंज करना चाहें तो बार में भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपने करना यह है कि 1 2 3 पॉइंट्स आगे लेके जाना है, यानी यहां पर आप क्या करने लगे हैं, 1000 से डिवाइड, तो 1.01325 बार, तो आप इसको बार में भी चेंज कर पाए। एक और यूनिट भी यहां पर मेरे जहन में आया और वो है पाउंड पर स्क्वायर इंच, और वो बराबर होता है 14.7 के। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये भी आपके पास 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। तो ये था जी बहुत ही आसान से यूनिट्स, इन यूनिट्स को मैंने लिख दिया है, इसका इस्तेमाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, ये बात याद रहे कि आपको काफ़ी सारे यूनिट्स पता चल गए हैं प्रेशर के, अब इसका इस्तेमाल भी सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ MMHg में प्रेशर है, सपोज कीजिए 700 MMHg प्रेशर है, और मैं कहता हूँ कि मुझे इसे कन्वर्ट करके दो किसके अंदर, सपोज कीजिए पास्कल्स के अंदर। तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, आप सिंपल से ऐसे करेंगे कि एक लाइन लगा लेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे MMHg और यहाँ पे लिखेंगे पास्कल। अब MMHg के बारे में आप मालूमात यहां से लेंगे, तो ये बराबर है 760 MMHg इज इक्वल टू पास्कल के, कितने पास्कल के, 101.325 पास्कल। अब आप कहें कि अगर 1 MMHg हो तो कितने पास्कल के इक्वल होगा, तो 101.325 डिवाइड बाय 760, और आपसे पूछा कितना गया 700, तो आप लिखें कि 700 MMHg कितने पास्कल के बराबर होंगे, तो 101.325 डिवाइड बाय 760 जो कि यूनिट प्रेशर है, या कह लीजिए 1
मिलीमीटर ऑफ मरकरी का पास्कल है, तो अगर आप इसको 700 टाइम्स बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास आंसर आएगा वो पास्कल में आएगा। तो आपने देखा कि हमने एक यूनिट को किस तरह दूसरे यूनिट में चेंज किया। इस तरह आप कई यूनिट्स दूसरे यूनिट में चेंज कर लेते हैं। मैं आपको ऐसा करता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं वह क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं। उसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में राइट कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर 100 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में प्रेशर है। इसको आपने चेंज करना है किसके अंदर? एटमॉस्फेयर में। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत सादा सा है और देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन करके देता है। आप इसको कमेंट बॉक्स में राइट करें। जो अगर सही होगा तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, प्रेसमेंट कर दूंगा और बता दूंगा ठीक है। एनी हाउ, ये है जी सिंपल सा एक क्वेश्चन। अब आप सवाल करेंगे कि सर ये इतने सारे यूनिट्स क्यों हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी कई सारी वजूहात हैं, आपने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा था कि यूनिट्स क्यों चेंज होते हैं। बहरहाल मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपनी बुक के एतबार से ऐड कर देता हूँ। देखें बेटा, सपोज कर लीजिए आप एक लोहार के पास जाते हैं, मतलब आयरन स्मिथ पर, और आयरन स्मिथ से ये कहते हैं कि भाई मुझे ऐसा करो एक रत्ती लोहा दे दो। तो वो आपको कहेगा भाई जितने रत्ती लेनी है ले जाओ, और पैसे भी नहीं लेगा, क्योंकि इतनी मिकदार का लोहा तो वो जस्ट उसको पिघलाने में, बनाने में, मोल्ड करने में ही ज़ाया कर देता है और उसके लिए एक रत्ती की कोई भी खास औकात नहीं है। लेकिन अगर आप यही क्वेश्चन जाकर करते हो एक सुनार से, गोल्ड स्मिथ से, और वो कहते हो कि भाई मुझे एक रत्ती सोना दे दो, तो वो बड़ी एहतियात के साथ एक खास बॉक्स में से या अलमारी में से, लॉकर से खोल कर आपके सामने लेकर आएगा, उसको बार बार तोलेगा और उसको कैलकुलेट कर आपको बताएगा कि ये इतने पैसों का है। मतलब सुनार के लिए वही मिकदार या यूनिट क्या है, काफ़ी कीमती है, जो लोहार समझ ही नहीं रहा कि उसके लिए कुछ है। यानी लोहार के लिए रत्ती तोला माशा कुछ नहीं, लेकिन सुनार के लिए ये बहुत कुछ है। तो इस तरह से हम जब केमिस्ट्री में आमतौर पर काम करते हैं और गैसियस मॉलिक्यूल के बारे में जिक्र करते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? वो बहुत हल्के, नज़र भी नहीं आते, तो उनके लिए जब हम प्रेशर नापते हैं तो आमतौर पर एटमॉस्फेयर में ले लेते हैं। लेकिन फिजिक्स में जब हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जो मैक्रोस्कोपिक होता है, एटम या मॉलिक्यूल तो माइक्रोस्कोपिक थे, लेकिन जब आप मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में ले लेते हैं, जिनको हम SI यूनिट के एतबार से भी बोलते हैं। और इसी तरह एक और हमारी बुक के अंदर लिखा है और वो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के तौर पे बता देते हैं, और वो है हमारे पास बार या मिली बार। बार या मिली बार में जो प्रेशर नापते हैं वो नापते हैं मेट्योरोलॉजिस्ट। ये मेट्योर क्या होते हैं? इनकी स्टडी करने वाले मेट्योरोलॉजिस्ट हैं, और मेट्योर को उर्दू में बोलते हैं शहाबे साकिब। असल में होता ही है कि रात के वक्त कभी आपने देखा हो कि एक चमकता हुआ कोई तारा ज़मीन की तरफ आ रहा हो, जब हम कहते हैं कि टूटता हुआ तारा है, तो एक्चुअली वो तारा टूटा हुआ तारा नहीं होता, बल्कि वो ज़मीन की तरफ एक पत्थर आ रहा होता है जो ज़मीन के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मिकदार में घूम रहे हैं। उनमें से कोई पत्थर भी ज़मीन की तरफ आता है तो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से खींचता चला आता है ज़मीन की तरफ, और इतनी तेज़ी से मूव करता है कि हवा की रेजिस्टेंस की वजह से उसको आग लग जाती है और वो चमकती हुई हालत में ज़मीन की तरफ गिरता है। और होता यह है कि जब वो गिरते गिरते उसे आग लग जाती है तो क्या होता है, वो गायब रहता है हवा में ही, तो ज़मीन से टकराने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। वरना अगर वो बहुत बड़ी मिकदार में हो या बड़े मास का हो तो ज़मीन से टकराता भी है, और जैसे वो टकराता है उसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, वो प्रेशर नापेंगे कौन? मेट्योरोलॉजिस्ट। ये शहाबे साकिब इतने मजबूत या ताकतवर हैं कि अगर ये फुल अपनी मकदार में जो बड़ी मैसेज होते हैं वो ज़मीन पे गिर जाएं तो कई कई किलोमीटर रेडियस का जो गढ़ा है या कह लीजिए होल है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है कि ज़मीन के आर पार भी चले जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन हम इसे महफूज रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक कायनात का तरीकाकार है चलने का। अब एक आखिरी बात और करते हैं, दैट इज़ पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये क्या होता है? जैसे एक इंजीनियर है, ये इंजीनियर्स का इस्तेमाल होने वाला यूनिट है। फॉर एग्जांपल वो एक छत बनाते हैं, अब छत
के लिए वो कैलकुलेट करते हैं कि ये छत इतनी भारी है, इस भारी छत को उठाने के लिए हमें कितना मजबूत पिलर बनाना होगा या दीवारें बनानी होंगी। तो वो जो उस वक्त प्रेशर लेगा उस छत का जो दीवारों पे डालना है, उसको नापेगा पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के अंदर। तो आपने देखा कि डिफरेंट किस्म की यूनिट्स डिफरेंट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फिजिसिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई केमिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई मेटेरोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई इंजीनियर्स यूज़ कर रहे हैं। तो हर किसी का जो यूनिट है वो डिफरेंट है। लेकिन अब क्या होगा, यूनिट अगर हमारे पास है और हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास आज था छोटा सा टॉपिक। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।